are now getting in some breaking inputs. We are learning that Azam Khan has been convicted in a hate speech case for delivering a provocative speech this during the 2019 Lok Sabha election campaign. During a public meeting, he made derogatory and inflammatory remarks, including comments targeting India's Prime Minister Narendra Modi and the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. The case was filed by ADO Panchayat Anil Kumar at the Shahzad Nagar Police Station. The proceedings were ongoing in the MP MLA court. This is coming a day after Samajwadi Party leader Azam Khan security was removed by the Uttar Pradesh government. For more details, let's quickly go across to Amit Singh, who's joining me on the phone line. Amit ji, ye ek case hai jo bahut saalon se chal raha tha, ab finally closure mana jayega is pe? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज ही इसका क्लोजर माना जा सकता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में जो सजा सुनाई जाएगी उस पर बहस होगी और उसके बाद सजा पर ऐलान भी हो जाएगा और आज ही ये हो जाना है। दरअसल ये पूरा मामला जो है 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब आजम खान ने आपत्तिजनक डेरोगेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया था अपने स्पीच के दौरान, और वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को लेकर। और उसके बाद एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने इस पूरे मामले को लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, जिसके बाद रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार ये मामला चला और उसके बाद जो सबूत कोर्ट में पेश किए गए वो सब आजम खान के खिलाफ थे। जाहिर तौर पर उसी वजह से आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो आजम खान दोषी साबित हुए हैं और सजा पर ऐलान, यानी कितनी सजा होती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, इस बारे में भी कोर्ट थोड़ी देर बाद फैसला सुना देगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित, हमें ये जानकारी देने के लिए।